ये जमाना ऐसा हो गया है कि आपका अच्छा होना भी दुनिया को दिखावा नजर आता है। इस मतलब भरी दुनिया में गैरों से ज्यादा अपनों से सावधान रहना पड़ता है। मैंने छोड़ दिया लोगों को बताना कि मुझे भी दर्द होता है, मेरा भी दिल दुखता है, क्योंकि यहाँ समझने वाला कोई है ही नहीं। मछलियां भी खुश हो गई ये जानकर कि आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। अहंकार की बस एक खराबी है, ये कभी आपको महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हैं। बहुत दिनों से कोई नया जख्म नहीं मिला, जरा पता करो ये अपना अपना कहने वाले कहां चले गए हैं। अपनी अकड़ को हमेशा जेब में रखना चाहिए, क्योंकि लोग भाव में झुकते हैं, किसी के ताव में नहीं। जिस दिन आप ज्यादा सोचना बंद कर देंगे, उसी दिन आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। किसी चीज का जरूरत से ज्यादा मिल जाना उसका मोल कम कर देती है, फिर चाहे वो वस्तु हो या कोई इंसान हो। कितने सताए हुए होंगे वो लोग जो ये कहते हैं कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता। इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, बातें तो सब बड़ी बड़ी करते हैं। जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं है, न मेरा काम न आपका काम, लेकिन जीतता वही है जो मुश्किलों को तोड़कर जिंदगी में आगे निकलता है। खाली बर्तन सबसे तेज आवाज करता है, इसीलिए सबसे कम बुद्धि वाले लोग सबसे ज्यादा डींगे हांकते हैं। इंसान की जुबान ही उसकी सफलता में अड़चन डालती है, इसलिए शब्दों को पहले तोलो फिर बोलना चाहिए। किसी इंसान को बार 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 समझाने से तो अच्छा है आप एक बार खुद के दिल को ही समझा लो। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत ही मतलब निकालते हैं, ऐसे लोगों को सफाई देने में अपना वक्त कभी बर्बाद मत करना। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम अंत में धोखा ही निकलता है। मैंने एक चीज नोट की है, हर परिवार में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जिसको सबके दुख का एहसास होता है, जिसे सबके दुख अपने से लगते हैं। वो हर किसी को सहारा देता है, लेकिन जब वो दुख में होता है तो उसका कोई साथ नहीं देता और वो बिल्कुल अकेला रह जाता है। बनावटी लोगों से संभल कर रहना, ये पहले रो रो के आपके दुख दर्द पूछेंगे, फिर हंस हंस के जमाने वालों को बताएंगे। जो इंसान झूठ बोलने की कला को जानता है वो जिंदगी भर गैरों को खुश रख सकता है, लेकिन अपनों को कभी खुश नहीं रख पाएगा। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना, क्योंकि याद रखना तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। भगवान मौत दे दे पर ऐसी जिंदगी किसी को ना दे जिसे जीने के लिए हर रोज तड़पना पड़े। धर्म बचाने के नाम पर तुम्हें बम पत्थर तलवार तो मिल जाएगा, मगर घर बचाने के लिए तुम्हें नौकरी और रोजगार कभी नहीं मिलेगा। परवाह करने की आदत ने परेशान कर दिया, अगर बेपरवाह होते तो बहुत सुकून होता जिंदगी में। हम शतरंज के शौकीन नहीं थे, इसीलिए धोखा खाते रहे। लोग मोहरे चल रहे थे और हम रिश्ते निभाते रह गए। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कोई भी नहीं समझा सकता, उसे तो केवल वक्त ही समझाता है। दूर हो जाना चाहिए ऐसे लोगों से जो गलत होते हुए भी आपको अपनी बातों से दबाना चाहते हैं। ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास रचो और हारो तो भी इतिहास रचो। आमदनी कम हो तो खर्चों पर काबू रखिए, और अगर जानकारी कम हो तो लफ्जों पर काबू रखिए। प्यार आपका बिल नहीं चुकाता और पैसा कभी धोखा नहीं देता। जो है जितना है उसमें खुश रहना सीखिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। कोई किसी का नहीं होता, जब लोगों का दिल भर जाता है तो लोग याद करना भी भूल जाते हैं। अपनों के साथ किया गया छल
अपने ही अंत की शुरुआत होती है। पैसा एक ऐसी चीज है जिसमें छुआछूत नहीं माना जाता। एक नोट कसाई के हाथों से होते हुए मंदिर मस्जिद तक बिना भेदभाव के पहुंच जाता है। जिंदगी में शांत रहना सीखो, क्योंकि आपका गुस्सा किसी और की जीत है। हर वो शख्स नफरत के काबिल है जो दिमाग चलाकर रिश्तों की हत्या करता है। दुख का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं हैं और गलत इंसान को लोग परखते नहीं हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल हमेशा वक्त आने पर ही मिलता है। लोग हमारा उस वक्त यकीन तोड़ते हैं जब हम खुद से भी ज्यादा लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। सच भी कभी कभी बेबस सा नजर आता है। जहां चार झूठे हों वहां सच्चा हार ही जाता है। चार पाई कमाने के चक्कर में इंसान कब बूढ़ा होकर खुद चार पाई पकड़ लेता है पता ही नहीं चलता। कर्मों के खेल से कौन बचा है? जिसने जैसा करा है उसने वैसा भरा है। किसी को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके लिए कभी कोई गलत धारणा बना लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। जब पत्थर को तोड़कर भगवान बन सकते हैं तो फिर लोग घमंड को तोड़कर इंसान क्यों नहीं बनते? जो नायक होता है वो दुश्मनों से लड़ता है, और जो नालायक होता है वो हमेशा अपनों से लड़ता है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। जिंदगी में ये दो बातें हमेशा याद रखना, गुस्से में कोई फैसला मत लेना और ज्यादा खुश होने पर किसी से कोई वादा मत करना। सबका हमदर्द बनने वाले इंसान को ही उसके दुख में कोई हमदर्द नहीं मिलता। इंसान से गलती हो जाए तो सुधर सकती है, लेकिन अगर इंसान ही गलत हो जाए तो वो कभी नहीं सुधरता है। दम घुट रहा है इस जिंदगी से, खुलकर रो भी नहीं सकते और दर्द इतना है कि किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। अपनी जिंदगी में लोगों को इतना भी हक मत दो कि कोई भी आकर आपको तोड़कर चला जाए। कुछ लोग शर्मिंदा होने पर माफी नहीं मांगते हैं, बल्कि वो तो इसलिए माफी मांग लेते हैं क्योंकि आपको उनकी सच्चाई का पता चल गया है। आपको ये कभी पता नहीं चलेगा कि आप किस लायक हो जब तक कि आप खुद कोशिश नहीं करोगे। हर उस जगह से खुद को हटा दो जहां आपकी कीमत ना हो। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें अगर वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। अकेलापन एक इशारा है उस कुदरत का कि वो कुदरत तुम्हें झूठे लोगों से बचाना चाहती है। लोग आपके कामयाब होने के बाद आपसे जलेंगे, लेकिन आप किस दौर से गुजर कर कामयाब हुए हो इस बात के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। नीयत उसी की ठीक रह सकती है जिसका दिमाग खुद के काबू में हो। जो लोग आपकी कदर नहीं करते हैं उनके लिए मौजूद ना रहना भी एक स्वाभिमान की निशानी है। कई बार आपको सामने वाले इंसान के बहाने सुनने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके कर्म ही पहले से ही उनकी सच्चाई आपको बता चुके होते हैं। दुआ लगे या ना लगे, लेकिन बद्दुआ जरूर लगती है। उस इंसान के पीछे कभी मत भागना जिसे तुम्हारे आगे और भी लोग नजर आते हैं। कितने दर्द में होगा वो इंसान जो नया दर्द मिलने पर बस इतना भर कह दे कि कोई बात नहीं, मुझे तो अब दर्द सहने की आदत हो गई है। जब आप किसी की हद से ज्यादा परवाह करने लगते हो तो वो आपको कमजोर समझने लगता है, और यही आज की दुनिया की सच्चाई है। मुंह से माफ करने में तो एक पल लगता है, लेकिन दिल से माफ करने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। जिंदगी में कभी किसी के भरोसे मत बैठो। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पे चलकर कुछ बनने की ठान लो तो जरूर कामयाब बनोगे। अगर आपको खुद को ताकतवर साबित करने के लिए किसी दूसरे को दर्द देना पड़े तो हकीकत में आप बहुत कमजोर हो। आपसे नफरत करने वाला कभी नहीं बताएगा कि वो आपसे नफरत करता है, लेकिन वक्त उसका सच एक दिन आपके सामने ला ही देता है।
जब आपको अपनी कीमत का एहसास हो जाए तब बहुत मुश्किल होता है उन लोगों के साथ रहना जो आपको अहमियत नहीं देते हैं। कभी कभी सिर्फ नोट ही नहीं इंसान भी नकली मिल जाते हैं। अपना दर्द बयान करने के बाद भी अगर सामने वाला आपको दर्द देता रहे तो इससे अच्छा तो ये है आप उससे दूर हो जाओ। बाहरी दिखावा जितना अधिक होता है भीतर की गरीबी भी उतनी ही अधिक होती है। गरीब हो तो गरीब सही, अमीर हो तो अमीर सही, जैसे भी हो सच्चे रहो। झूठे दिखावे से इज्जत बन भी गई तो वो ज्यादा समय नहीं रहेगी। यदि पढ़ाई लिखाई इंसान के संस्कार ही भुला दे तो इससे तो अनपढ़ रहना ही बेहतर है। शक्ल सुंदर होने का कोई फायदा नहीं यदि कोई इंसान चरित्र से ही गिरा हुआ है तो। जिंदगी में फोकस ऐसा करो कि आपके और आपके सपनों के बीच कोई भी ना आ सके। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा यही है कि लोग अपनी जरूरत के हिसाब से हमारा इस्तेमाल करते हैं और हमें लगता है कि वो लोग हमारे अपने हैं। बार बार छल कपट को माफ करने वाले लोग दयालु नहीं बेवकूफ कहलाते हैं। आजकल के नकली लोगों के साथ रहने से तो बेहतर है आप अकेले रहो और सुकून से रहो। इंसान कितना भारी या हल्का है ये सिर्फ उसके वजन तोलने से पता नहीं चलता बल्कि उसके बोलने से पता चलता है। लोग भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा था, लोग ये भी भूल जाते हैं कि आपने क्या किया था, लेकिन लोग ये कभी नहीं भूलते कि आपने उनको कैसा महसूस कराया था। उन लोगों पर वक्त बर्बाद करना छोड़ दीजिए जो आपकी खामोशी के लायक है। जब आपके खास लोग आपसे दूर होने लगें तो समझ लेना कि उनकी जरूरतें अब पूरी हो गई हैं। आज का दौर ऐसा है कि लोग आपके मुंह पर झूठ बोलकर आपसे गुस्सा भी हो जाएंगे कि आपने उनके झूठ पर विश्वास क्यों नहीं किया। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो अपना सारा फोकस अपने काम पर रखो, लोगों की बातों पर नहीं। सच्चाई तो यह है कि आपके अंदर ही आपकी सारी खुशियां छुपी हुई है, पर पता नहीं क्यों आप उसे लोगों में ढूंढ रहे हो। जिस इंसान ने जिंदगी में कभी दुख और चुनौतियों का सामना नहीं किया उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। जिस इंसान को सच बोलने की बीमारी होती है वो इंसान कहीं भी एडजस्ट नहीं हो सकता, ना समाज में, ना काम में, ना रिश्तेदारी में। जिंदगी में जब सब हमारे हिसाब से होने लगता है तो सब सही लगता है, लेकिन जिंदगी में जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो सब गलत लगने लगता है। तीन रिश्तों से हमेशा बचकर रहें, एक झूठा प्यार, दूसरा मतलबी यार और तीसरा पंचायती रिश्तेदार। जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाएगा वो रोता ही रहेगा, यही होता आया है और यही होता रहेगा। सोचना ही है तो कमाने की सोचो, जमाने की नहीं। जब आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। ये धोखा देने वालों में एक बहुत बड़ी खूबी होती है, ये बहुत मीठा बोलते हैं। जिन लोगों की कभी हम नजरें उतारते हैं एक दिन वो लोग भी हमारी नजरों से उतर जाते हैं। जहां लोग दूसरों की बुराई करते हैं उस जगह कभी मत जाना, क्योंकि आपके जाने के बाद लोग वहां आपकी बुराई करेंगे। जो लोग आपको पर्सनली नहीं जानते उनकी बातों को कभी पर्सनली नहीं लेना चाहिए। खुद को क्या करना है ये किसी को पता नहीं, लेकिन दूसरों को क्या करना चाहिए उसकी सलाह सबके पास है। आधे रिश्ते तो लोग ये बोल के ही खत्म करवा देते हैं कि तेरे अपनों ने ही तेरे ऊपर कुछ कर रखा है, ज्यादा भी हुआ तो कम समझेंगे। ये हमारा दर्द है, इसे सिर्फ हम समझेंगे। गहरे से गहरे रिश्ते भी जब टूट जाते हैं तब लोग चीख चीख कर राज बताने लगते हैं। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए जनाब, दूसरों में बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर होता है। रूप और रुपए पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी
कभी पूछ कर नहीं आती। खुशी देने वाले भले ही अपने ना हों, लेकिन दर्द देने वाले हमेशा अपने होते हैं। भूल और भगवान अगर मानोगे तो ही दिखाई देंगे। जो इंसान सच में अच्छा होता है उसे दिखावे की कोई जरूरत नहीं होती। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज भी घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। पहले के जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, और आजकल लोग एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। समस्या का समाधान बाद में करो, उससे पहले समस्या देने वाले का करो। जैसे जैसे जिंदगी गुजरती जा रही है, ये एहसास होता जा रहा है कि कोई किसी का नहीं होता है। जिस दरवाजे पर आपकी कद्र ही ना हो, उसे बार बार खटखटाया नहीं करते। अक्सर लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि बीती बातें भुला दो, लेकिन उन बातों से हमारे ऊपर क्या बीती है वे ये पूछना ही भूल जाते हैं। कोई गलती जो बार बार दोहराई जाए वो गलती नहीं होती, बल्कि मर्जी होती है। अच्छे लोगों में एक खूबी होती है कि वो अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही होते हैं। लोग आपको पहचानना ही बंद कर दें, उससे पहले ही अपनी पहचान जरूर बना लेना। झूठ को यदि आप धीरे से भी कहोगे तो सब लोग सुन लेंगे, लेकिन जब आप सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। कभी कभी जिंदगी में अकेला रहना भी जरूरी है, खुद से बातें करने के लिए। प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता होनी चाहिए, और भूल स्वीकार करने में गर्व होना चाहिए। जीवन का हमसफर ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ बैठकर रिश्ते के बीच की गलत फहमियों को सुलझाना चाहे, ना कि ये कह दे कि अब इस रिश्ते को ही खत्म कर दे। हमारी हर एक सोच हमारा भविष्य बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। निभाना ही तो मुश्किल है, चाहना तो हर किसी को आता है। छोटी सोच के लोगों को बॉनविटा भी बड़ा नहीं कर सकता। रिश्ता कभी भी किसी तीसरे की वजह से खराब नहीं होता, बल्कि रिश्ता तो तब होता है जब अपना ही बेईमानी करता है। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाए या कोई साथ छोड़ के चला जाए। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि वो बस फायदा उठाना ही जानते हैं। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दुखाएंगे। आपके जज्बात आपके वक्त और पैसों से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं, इसलिए उन्हें वहीं खर्च करो जहां उनकी कदर हो। खुद को दूर रखना दुनिया की चाल से, यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता हमारे अच्छे या बुरे हाल से। लोग भले ही पहचानते नाम से हों, लेकिन याद तो इंसान के स्वभाव को ही रखा जाता है। अरे आदमी तो दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। गलत लोगों से ज्यादा सजा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करें, क्योंकि गलत लोग भी आपको कोई ना कोई सही सीख देकर ही जाते हैं। सम्मान चाहे सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। तेरे बदल जाने का कोई दुख नहीं है मुझे, मैं तो बस अपने भरोसे पे शर्मिंदा हूं। कई बार आप किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वो चीज आपकी जिंदगी से चली नहीं जाती। दुख दिमाग की उपज है, आप जितना सोचोगे दुख उतना ही बढ़ता जाएगा। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वो इज्जत पैसे की है, तुम्हारी नहीं। पहले डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कहीं मैं ही कुछ उन्हें सुना ना दूं। बेवफा औरत हर जगह मुंह मार के खुद को हीरोइन समझती है, लेकिन असल में वो एक ढोलक है जो हर जगह बजाई जा रही है। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है, तब इंसान बहु रुपया हो जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है, वो इंसान आपका अपना कभी नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कई गुना बेहतर है। ये कलयुग है जनाब, यह कसम खाने वाला नहीं शराब पीने वाला ज्यादा सच बोलता है। जब किसी का मन ही अंधा हो जाए ना, तो उसकी आंखें किसी काम की नहीं रहती। औकात से ज्यादा इज्जत दे दी जाए तो कुत्ते काटने पर उतर आते हैं। इस दुनिया में इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब उसे सच बोलने की सजा मिलने लगी। लकड़ी के कीड़े
पूरी कुर्सी को खा जाते हैं और कुर्सी के कीड़े पूरे देश को खा जाते हैं। जवानी की उम्र में जो इंसान अपनी मनपसंद चीजों की कुर्बानी दे सकता है, वही इंसान जिंदगी में कामयाब इंसान बनता है। जैसे ही लगता है कि जिंदगी समझ आ गई है, पता नहीं कहां से जिंदगी कुछ ऐसा दिखा देती है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होता है। दुनिया में 90% लोग एक पिंजरे में कैद हैं और उस पिंजरे पे लिखा है कि लोग क्या कहेंगे। लोग आपकी उसी खूबी से जलते हैं जिसकी उनके अंदर कमी होती है। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। हकीकत जान जाओगे तो सब पराए लगेंगे, इसलिए मन में यह वहम ही पाल के रखो कि सब अपने हैं। जिंदगी ने मुझे इतना तो सिखा दिया है कि किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, कितना भी धोखा हुआ हो, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो आप जिंदगी में हमेशा कामयाब रहोगे। आज के जमाने में तब तक किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता जब तक उसको सामने वाले से मतलब नहीं होता। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। मुझे अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में चुपचाप मेरे खिलाफ बातें सुन ले। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं, गैरों से क्या गिला करना जब अपने ही बदल जाते हैं। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। वास्तविकता में मजाक चालाकी से किया गया अपमान होता है। जिंदगी में बुरे वक्त का आना भी बहुत जरूरी होता है, वरना अपनों का नकाब ओढ़े गैरों का भी पता नहीं चलता। याद रखना, चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर। एक गलत इंसान किसी के भी बारे में कभी सही नहीं सोच सकता। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी पहचान बना ली। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबकी कदर करता है, अक्सर वो ही इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी जिंदगी में आत्मसम्मान के लिए लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। अक्सर जिंदगी में सबके पीछे भागने में, सबकी परवाह करने के चक्कर में हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। आप थोड़ा भरोसा वक्त पर भी किया करो, क्योंकि ये अच्छे से अच्छे चेहरे को एक दिन बेनकाब कर देता है। पैसा किसी की हैसियत तो बदल सकता है, लेकिन किसी की औकात कभी नहीं बदलती। दुआ में याद रखने के जमाने चले गए जनाब, आजकल तो लोग चुगलियों में याद रखते हैं। आनंद वहां नहीं मिलता जहां धन मिलता है, आनंद तो वहां मिलता है जहां आपका मन मिलता है। जिंदगी में न जाने कितने दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सर दर्द का नाम देते हैं। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी है, ना पहली बार खुद नहा पाता है और ना ही आखिरी बार खुद नहा सकता है। समय रहते ही खुद को बेहतर बनाए, वरना आपसे सीखने वाले लोग भी आपसे आगे निकल जाएंगे। जिंदगी में अगर खुलकर जीना चाहते हो तो कभी किसी पर मत मरना। सवाल अहंकार का नहीं, इज्जत का है। कोई अगर लहजा बदले तो हम रास्ता ही बदल देते हैं। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद कुछ अच्छा नहीं कर पाते, वो अक्सर दूसरों की बुराई करके खुश होते रहते हैं। थोड़ा ध्यान से रिश्ते बनाना, क्योंकि यहाँ दिखावे वाले ज्यादा हैं और निभाने वाले बहुत ही कम। कुछ लोगों के लिए तुम कभी अच्छे नहीं बन पाओगे, चाहे आप उनके लिए कितना भी अच्छा कर लो, उनकी नजरों में आप हमेशा फालतू इंसान ही रहोगे। आजकल शरीर सिर्फ वही है जिसकी हरकतें कोई नहीं जानता। वक्त इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। दुनिया में सबसे खुश सिर्फ वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि किसी से कोई भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए और किसी को भी अपना नहीं समझना चाहिए। किसी और को क्या बुरा समझना, अरे बुरे तो हम हैं जो हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं। अब हम बस खुद को मानते हैं, क्योंकि इस दुनिया को अब हम अच्छी तरह जानते हैं। जब जिंदगी में टाइम देखने का भी टाइम ना मिले, तब समझ लेना कि आप कुछ बड़ा काम कर रहे हो। आजकल दिल के साफ लड़के
चेहरे के खूबसूरत लड़कों से हार जाते हैं। जो वक्त आपके पास बचा है उसे संभाल कर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जो वक्त आप खो चुके हैं वो अब कभी लौट नहीं सकता। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सच हमेशा दिल से निकलता है। कोई भी रिश्ता एक तरफ की हिस्सेदारी से नहीं, दोनों तरफ की भागीदारी से चलता है। वक्त भी वक्त पर अपनी कीमत समझा ही देता है। रिश्ता मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। जब आपको ये एहसास हो जाए कि आप किसी की जिंदगी में सिवाय बोझ के और कुछ नहीं, तो आपको खामोशी से उनकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर सकती है लेकिन बेइज्जती नहीं। दर्द की भी अपनी एक अदा है, वो भी बर्दाश्त करने वाले पर ही फिदा है। आजकल कुछ रिश्तों को निभाने के लिए लोग पूरी ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। उम्र का ताल्लुक सालों से नहीं होता, कभी कभी इंसान भरी जवानी में भी सदियों पुराना हो जाता है। आजकल कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है कि किसी को अगर अपना दुख बताओगे तो वो आपसे ज्यादा अपना दुख रोने लगता है। जिन्होंने आपका समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। जिंदगी में अहमियत सिर्फ उसी को देना जिसे तुम्हारी असली कीमत पता हो। रिश्तों के बदलने का क्या रोना जनाब, वक्त तो आपकी शक्ल तक बदल देता है। ये बात समझने में पूरी उम्र लग गई कि बेगुनाह होना भी आजकल एक गुनाह बन गया है। मतलब ही रिश्तों की बस इतनी सी कहानी है। अच्छे वक्त में आपकी खूबियां और बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनानी है। राह कोई भी हो पकड़ कर चलिए, अगर कदम सच्चे हैं तो अकड़ कर चलिए। न जाने कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनहगार हो गए। दूरियों में ही परखे जाते हैं रिश्ते, आंखों के सामने तो सभी वफादार होते हैं। आप लोगों को हमेशा इसलिए बुरे नहीं लगते क्योंकि आप बुरे हैं, कभी कभी आपका अच्छा होना भी उसके किसी स्वार्थ में बाधा बन जाता है। इसलिए किसी का दिल जीतने की कोशिश करने से पहले आप सच्चाई को समझ लीजिए। इसी जमाने में एक दूसरे के पांव से कांटे निकाले जाते थे, अब तो एक दूसरे की राह में कांटे बिछाए जाते हैं। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। शत्रुता भी व्यक्ति को इतना क्रूर नहीं बनाती जितना कि उसके साथ प्रेम में हुआ छल बना देता है। यदि आपके पास जो कुछ भी है उससे आप संतुष्ट हो, खुश हो, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। मनुष्य को अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, परंतु समय के साथ कभी न कभी सजा जरूर मिलती है। अगर कोई तुम्हें अपनी तकलीफ बताए तो उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि आप सिर्फ उसे सुन रहे हो और वो उसे महसूस कर रहा है। आप जितनी उम्मीदें कम रखोगे, जिंदगी में दर्द भी उतना कम मिलेगा। जिद जीत की हो तो घाव मायने नहीं रखते। अक्सर इंसान गलत नहीं होता, बस गलत लोगों के बीच में फंस जाता है। अब वो जमाना नहीं रहा कि जब रिश्ते निभाने के लिए लोग अपनी खुशियां तक कुर्बान कर देते थे, अब तो वो जमाना है जब अपनी खुशियों के लिए लोग रिश्ते तक कुर्बान कर देते हैं। डरने वालों को ही लोग डराते हैं, आप थोड़ी हिम्मत दिखाओ तो अच्छे अच्छे सर झुकाते हैं। इंसान का मन भी समुद्र की तरह होता है, किसी को क्या मालूम कि उसमें कितने हादसे और कितनी यादें समाई हुई है। एक वक्त गुजर जाने के बाद जिंदगी में किसी से भी कोई शिकायत नहीं रहती। जो इंसान सबका साथ देता है, अपने बुरे वक्त में हमेशा अकेला हो जाता है। दूसरों की शर्तों पर गुलाम बनने से कई गुना ज्यादा बेहतर है अपनी ही मौज का फकीर बन जाना। प्यार तो यहाँ हर कोई मांगता है, जो तुमसे तुम्हारा दर्द मांग ले वही रिश्ता सच्चा होता है। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के दीवाने नहीं होते। अर्जुन ने कर्ण का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर भी कर्ण अर्जुन का दुश्मन बना। कई बार आपकी गलती नहीं होती फिर भी लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं, आपके हुनर और आपके गुणों के कारण। धोखा कभी नहीं मरता, आज आपको किसी ने दिया है कल उसे कोई और देगा। जब मन भर जाता है ना,
तो सबसे बेहतर भी बेकार लगने लगता है। अपने दिल को इतना कमजोर कभी मत बनाना कि वो किसी का जाना देखकर सह ना सके। इतने भी वफादार मत बनिए कि लोग आपको गुलाम समझने लग जाएं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला लेते हैं तो वो सबसे पहले बात करना बंद कर देते हैं। जिंदगी जिनको खुशी नहीं देती उनको तजुर्बे बहुत देती है। मैं नादान था जो वफा की तलाश करता रहा, अभी ये नहीं सोचा कि एक दिन अपनी सांस भी बेवफा हो जाएगी। मुझे भी शामिल करो गुनाहगारों की महफिल में, मैं भी कातिल हूँ क्योंकि मैंने अपनी ख्वाहिशों को मारा।